हे गाइस, दिस इज़ प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1 सितंबर के करंट अफेयर। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट ekstudy91.co.in पे विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे जितने भी एग्जाम्स होते हैं या फिर सभी जो सब्जेक्ट हैं उनके आप MCQ सॉल्व कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। बात करेंगे कल के पूछे गए क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन था, भारत में सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस के रूप में। अब हम लोग बात करेंगे 1 सितंबर के पहले क्वेश्चन के बारे में। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री पुस्तक का विमोचन किया गया है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं पीटर बेकर। ये आप देख सकते हैं बुक का फ्रंट पेज है। और इसमें किया क्या गया है, आपको पता है ओबामा अगर हम लोग बात करें अमेरिका के तो बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित राष्ट्रपति थे, बहुत ही ज़्यादा चर्चित थे और सबके फेवरेट भी थे। या उनके कार्यकाल के समय जो भी उतार चढ़ाव था उसके बारे में इस पुस्तक में बताया है। अच्छा, पीटर बेकर हैं कौन? तो पीटर बेकर द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुख्य व्हाइट हाउस संवाददाता हैं, याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी कितनी फीसदी रहेगी? तो यहाँ पे आपको पता है कि रिपोर्ट आ गई है जिसमें बताया गया है कि भारत की जीडीपी कितना है, 5% है। अब आप सोच सकते हैं, अभी हमने बजट में क्या पढ़ा था कि भारत 2025 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। ठीक, और अगर भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी होनी चाहिए, 8% होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी है, 5% है, जो कि बताया जा रहा है कि पिछले 6 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। अगर हम लोग इसको पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछली तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ रेट 8% से वृद्धि कर रही थी और इस बार कितना हो गया है, 5%। जो जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं उनका कहना है डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी का इम्प्लीटेशन और बहुत से ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से जीडीपी भारत की फ्लक्चुएट की कर रही है। एंड इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो जीडीपी का डेटा है वो रियल नहीं है, इसमें भी कुछ छेड़छाड़ की जा रही है। अगर हम लोग इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो यह किस पर आधारित है, मांग पर आधारित है। और इस समय जो आंकड़ा आया है उसमें बताया जा रहा है कि भारत के उपभोग में काफी कमी आई है। देश की सबसे बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसके उत्पादन में कुल 7% की गिरावट आई है। तो अब आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से क्या पॉसिबल है 2025 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना, क्योंकि वर्तमान में भारत की इकोनॉमी कितनी है, 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सिनेमाघर कहाँ पर बनाया गया? तो इसको बनाया गया है भारत में, आप देख सकते हैं इसमें डॉल्बी एटमॉस भी लगा है जो कि वॉइस क्वालिटी इसकी अच्छी होती है। और इसको बनाया गया भारत में कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के सल्लूरपेट में बनाया गया है। इसमें कुल 656 सीट मौजूद हैं और इस सिनेमा में दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी स्क्रीन लगाई गई है जिसकी चौड़ाई कितनी है, 100 फीट और ऊंचाई कितनी है, 54 फीट। इसकी शुरुआत किससे हुई है, तो शाहो फिल्म से हुई है। अभी आपको पता है कि बाहुबली के एक्टर हैं प्रभास, उनकी मूवी आई है शाहो, उसी फिल्म से इसकी शुरुआत की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में वॉक टू वर्क अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है? तो इसको किसके द्वारा किया गया है, मेघालय सरकार के द्वारा किया गया है। इस अभियान की शुरुआत की गई है फिट इंडिया मूवमेंट के तहत, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था 29 अगस्त को, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर इस अभियान को शुरू किया था प्रधानमंत्री। कल के क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा, इस अभियान में कई लाभों के साथ ईंधन की लागत में कटौती, जैसे उत्सर्जन में कमी, शहर में भीड़ भाड़ में कमी और नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य और फिटनेस शामिल हैं। अब बात आई है यहाँ पे मेघालय की, तो मेघालय के सीएम कौन है, कॉनराड संगमा।
अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में नीमू भौमिक का निधन हुआ, ये कौन थे? तो नीमू भौमिक, ये आप इमेज देख सकते हैं, यह एक अभिनेता है। अब बात आती है कि कहाँ के अभिनेता है, तो यह पश्चिम बंगाल के अभिनेता हैं जिनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1935 को और अभी 27 अगस्त को इनका निधन हो चुका है। अच्छा, इनका जन्म स्थान क्या है? दिनाजपुर। और अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपको पढ़ाया था कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के बांग्लादेश में एक जिला है जिसका नाम है दिनाजपुर और वहाँ पर उनको उनकी पहली लौह अयस्क की खादान मिली है। इसके अलावा बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी इंस्टीट्यूट को भी कहाँ पे खोला गया है? बांग्लादेश में, याद रखिएगा। अब बात आती है नीमू भौमिक की, तो इनकी प्रमुख फिल्में कौन कौन सी हैं? इनकी फिल्म है नवाब जो कि 2017 में आई थी, गुरु दक्षिणा जो कि 1987 में आई थी, नट गुरु कब आई थी? 2003 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस मोबाइल ऐप ने अमेरिका में टेक पुरस्कार जीता है? इसको जीता है मैत्री ने। और ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये जो पांच लड़कियां आपको इसमें दिखाई दे रही हैं, इन्हों पांचों ने मिल करके इसको डेवलप किया है, ठीक है। मैत्री मोबाइल ऐप ने टेक्नोवेशन चैलेंज में कांस्य पदक जीता है। यह सैन फ्रांसिस्को US में आयोजित लड़कियों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिक और उद्यमिता कार्यक्रम है। इस ऐप को 5 छात्राओं की एक टीम ने डेवलप किया है जिसका उद्देश्य क्या है? अकेलेपन और अवसाद से पीड़ित व्यक्तियों और बुजुर्गों को एक साथ लाना। आप सोचिए, बहुत अच्छा काम है, क्योंकि होता क्या है कि जब इंसान वृद्धावस्था में आता है तो अकेलेपन के कारण वह अवसाद से ग्रसित हो जाता है, या फिर कोई भी व्यक्ति हो अगर वो अकेलेपन में है तो वह अवसाद से पीड़ित हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस IIT ने स्वच्छ पेयजल के लिए RDGO Green के साथ समझौता किया है? इसको किया है IIT गुवाहाटी ने। किसने किया है? IIT गुवाहाटी ने। असम सहित देश के अधिकतर राज्यों में पानी का दूषित होना एक बहुत बड़ी समस्या है। यह तकनीकी क्या करेगा? जो भी दूषित पानी होगा उससे फ्लोराइड, आयरन, आर्सेनिक और सूक्ष्म जीवों को हटाने के लिए उपकरण और वृद्धि पर आधारित है, याद रखिएगा। अब गुवाहाटी आपको पता है कि असम का सबसे बड़ा शहर है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत किस वर्ष तक कोकिंग कोल का सबसे बड़ा आयातक देश बन जाएगा? तो यह 2025 तक भारत बन जाएगा कोकिंग कोल का सबसे बड़ा आयातक देश। अच्छा, कोकिंग कोल होता क्या है? तो यह धातु शोधन के रूप में, इसको क्या जाना, किसके रूप में जाना जाता है? धातु शोधन कोयले के रूप में। इसका प्रयोग कोक बनाने के लिए जो कि स्टील उत्पादन में किया जाता है, ठीक है। फिज सॉल्यूशन मैक्रो रिसर्च द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई जिसमें बताया गया 2019 से 2028 तक भारत में कोकिंग कोल के उपभोग में प्रति वर्ष 5.4% की वृद्धि का अनुमान है। और इसका, इस वृद्धि का रीज़न क्या है? इस्पात उद्योग में होने वाली वृद्धि इसकी महत्वपूर्ण रीज़न है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, किस एयरलाइन में उड़ानों में एकल उपयोग होने वाले प्लास्टिक के उपयोग पर बैन लगाने का फैसला किया है? तो यह कौन सी एयरलाइन है? यह है एयर इंडिया। एयर इंडिया ने फैसला किया है कि 2 अक्टूबर 2019 से उनकी किसी भी एयरलाइन में एकल यूज़ वाली प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जाएगा। अच्छा, यह घोषणा किया किसने है? तो एयर इंडिया के चेयरमैन हैं अश्विनी लोहानी। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इंडियन रेलवे ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है। कब से? 2 अक्टूबर से। 2 अक्टूबर को इस साल हम लोग क्या करेंगे? गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई जाएगी। और आपको पता है कि गांधी जी के दो सपने थे, एक तो स्वतंत्रता और दूसरा स्वच्छता। स्वतंत्रता का सपना तो पूरा हो गया है, लेकिन स्वच्छता के मामले में अभी भी काफ़ी पीछे हैं हम, तो इस वजह से इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर कहाँ पर बनाया जाएगा? इसे बनाया जाएगा नागपुर में, ठीक है। कहाँ पे बनाया जाएगा? नागपुर में बनाया जाएगा। यह नागपुर में वन भूमि पर एक अंतर्राष्ट्रीय मानक चिड़ियाघर और बायो पार्क स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। इसका उपयोग, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वनों की रक्षा करना। चिड़ियाघर में क्या क्या चीज़ें होंगी? बायो पार्क,
भारतीय सफारी, अफ्रीकी सफारी, नाइट सफारी अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण और पर्यटकों के लिए सुविधाएं जैसे आकर्षण होंगे। इसमें सरकार ने कुल कितने करोड़ रुपए प्रदान करने की बात की है, तो 200 करोड़ रुपए प्रदान करने की बात किया है। अब हम लोग कल के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन हमारा, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किया गया है। 4 साल तक 4 नए एजेंडे के साथ काम किया जाएगा इसमें। फिर हमारा डिंडीगुल लॉक और कंडांगी साड़ी को GI टैग मिला, यह कहाँ का उत्पाद है? तो तमिलनाडु का उत्पाद है, ये दोनों तमिलनाडु के उत्पाद है और काफ़ी फेमस भी हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 25वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में 10 से लेकर के 24 सितंबर के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा। फिर हमारा 12वीं इंडिया सिक्योरिटी समिट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। अगला हमारा, हाल ही में शगुन नामक ऑनलाइन पोर्टल को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर हमारा कि कोल इंडिया के अगले अध्यक्ष कौन होंगे? प्रमोद अग्रवाल होंगे कोल इंडिया के अगले अध्यक्ष। नेक्स्ट है हमारा कि किस देश ने नाविकों के लिए फेशियल बायोमेट्रिक डेटा बेस्ड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जारी किया? तो ऐसा करने वाला भारत विश्व का पहला देश है। साहिन 8 संयुक्त अभ्यास का आयोजन किसके बीच हुआ है? तो पाकिस्तान और चीन के मध्य हुआ है साहिन 8 युद्ध अभ्यास का आयोजन। अगला क्वेश्चन हमारा, इंडिया चाइल्ड वेलबींग इंडेक्स में पहले स्थान पे कौन सा राज्य है? केरल होगा नंबर 1 पे। फिर हमारा कि किस राज्य सरकार ने 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू पर वार नामक पहल शुरू करने का निर्णय लिया है? तो दिल्ली में इसको शुरू किया गया। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में पेटीएम ने किसी कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया है? सोचिए और सोच के कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो की PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।